व्हाट इज डिले प्रोसेस इन बाइनरी एडिशन, उसको समझने से पहले अपने आउटपुट, ये जो मैंने डायग्राम या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एडिशन किया है बाइनरी नंबर का, उसको आप देखिए। सबसे पहले अपन ने क्या, ए नंबर लिया, बी नंबर लिया। जब आपने इसका एडिशन परफॉर्म किया तो 1+1 जीरो आया, जिसकी कैरी गई 1। उसके बाद 1+1+1 जिसका आउटपुट आया 1, फिर से कैरी गई 1। तो इस तरीके से पूरा एडिशन परफॉर्म हुआ। लेकिन इसके अंदर आप देखिए, गिवन इनपुट जो था वो था 4 बिट का, बी अपनी जो इनपुट, बी जो अपनी बाइनरी नंबर था वो भी था अपना 4 बिट का। लेकिन इसके अंदर कैरी इनपुट और कैरी आउटपुट, कैरी आउटपुट कौन सी है, ए वाला जो नंबर है उसको बोलते हैं कैरी आउटपुट, और इसको बोलते हैं अपन कैरी इनपुट। इसकी वजह से जो है वो डिले प्रोसेस हो रही थी। अब वो डिले प्रोसेस किस तरीके से होती है उसको अपन समझते हैं। डिले प्रोसेस समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है इसके लिए। सबसे पहले अगर आपने फुल एडर अभी तक पढ़ा हुआ है तो आपको आसानी से समझ में आएगा किस तरीके से डिले प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। कैरी प्रोपेगेशन इसको बोलते हैं। इसके पहले मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए। थ्रू द पैरेलल बाइनरी ऑर्डर, पैरेलल को इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पैरेलल बाइनरी ऑर्डर, बाइनरी एडर इज सेड टू जनरेट इट आउटपुट। उसका आउटपुट इतनी फास्ट आ जाता, अगर वो दो नंबर कैसे, अगर 0-1 होता तो अपना इसका आउटपुट इस तरीके से बना जाता, यानी कि एक बिट दी गई और इसका आउटपुट भी 1 बिट आ जाए। तो कैरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका आउटपुट भी बहुत फास्ट हुआ है, स्पीड से हुआ है, कोई इसमें डिले प्रोसेस का हैपनिंग नहीं हुई है। तो इसके लिए पैरेलल बाइनरी एडर इज सेट टू जनरेट इट्स आउटपुट वेरी फास्ट, जनरेट इट्स आउटपुट वेरी फास्ट। अब बात आती है कि स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इसका डिले कैसे होता है वो उसको समझते हैं। स्पीड ऑफ ऑपरेशन, इसी का जो स्पीड ऑपरेशन है वो डिले किस तरीके से होता है और क्यों होता है। स्पीड ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड बोल लो या इसको डिले बोल लो, लिमिटेड बाय द कैरी प्रोपेगेशन, बाय द कैरी प्रोपेगेशन डिले। इसको अपन वैसे रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं कि अपन जब किसी भी चीज का एडिशन करते हैं तो 0-1 का एडिशन करना अपने लिए बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। वहीं अपन 1+1 का एडिशन करेंगे तो वो 0 आएगा, फिर नेक्स्ट उसके अंदर वो अपना आउटपुट जो है 1 देगा। तो इस तरीके से जब चीजें परफॉर्म होंगी तो उसमें ऑटोमेटिक अपने को डिले प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से लिमिटेड बाय द कैरी प्रोपेगेशन थ्रू ऑल स्टेज, सभी स्टेज पर, जैसे कि आपने देखा कि इसमें थ्रू ऑल स्टेज के अंदर आपने बताऊं कि इस ए पहली स्टेज हो गई, इसको अपन फर्स्ट स्टेज मान सकते हैं, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, 4 स्टेज थी। इसके अंदर भी अपन को कैरी का सामना करना पड़ा, इसके अंदर भी कैरी का सामना करना पड़ा, इसके अंदर भी, इसके अंदर जितनी आसानी से अपन आउटपुट निकाल पा रहे हैं उसके अंदर इतना ही डिले लग रहा है। अगर अपन इसी चीज को पकड़ के चलें तो डिले थ्रू ऑल स्टेजेस। इस चीज को आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने पर्सनल नोट्स वगैरह के लिए। मैंने इसको छोटा भी कर दिया इसके लिए कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। अब मैं इसको एक ऑपरेशन के साथ परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान के चलिए, जब अपन फर्स्ट स्टेज पे जैसा एसटी का मतलब यहाँ पे स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पे दे तो आपको मान के चलिए टीपी सेकंड लगा, कोई भी आप टीपी सेकंड मानिए। तो सेकंड स्टेज पे हो जब आप होंगे सेकंड स्टेज पे आप जब होंगे तो उसमें 2 टीपी सेकंड लगेगा। ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर किसी भी ऑपरेशन में इस ऑपरेशन को अगर परफॉर्म होने में टीपी सेकंड लग रहा है तो इसी ऑपरेशन के रेसिप्रोकल अगर दूसरी चीज परफॉर्म हो रही है तो उसको 2 टीपी सेकंड लगेगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ टीपी सेकंड। यही ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म होना है तो उसको थ्राइस ऑफ टीपी सेकंड लगेगा, और यही ऑपरेशन परफॉर्म होना है तो इसको फोर्थ ऑफ टीपी सेकंड लगेगा। ठीक है, तो अपन इसका थर्ड स्टेज का समझते हैं 3 टीपी, फोर्थ स्टेज का मान के चल रहे हैं 4 टीपी। अब अपन मान के चलते हैं 1 टीपी के अंदर
एक टीपी जो है 50 न्यूटन सेकंड है, न्यूट्रो सेकंड या न्यूट्रॉन सुगर को बोला जाता है एनएस, तो अगर 4 टीपी के अंदर कितने होंगे, 4 टीपी के अंदर हो जाएगा 200। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इस 4 बिट के अंदर नॉर्मल बिट से कितना डिले होगा, तो इसमें डिले का जो एवरेज रहेगा वो कितना होगा, 200 नाइट्रो सेकंड। इस फेमटोमिक कई बार अलग अलग तरीके से बोला जाता है, अलग अलग वैल्यू के फॉर्म में, इसमें नाइट्रो सेकंड के फॉर्म में पूछा जा रहा है, उसमें दूसरे तरीके से पूछा जाता है, किसी में मिली सेकेंड और किसी में सेकेंड, उस तरीके से पूछा जाता है। तो इसमें डिले कितना होगा, 200 न्यूट्रो सेकंड या नाइट्रो सेकंड, और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब भी अपन कंप्यूटर का हार्डवेयर देखते हैं तो उसके अंदर एंड गेट लगा रहता है और गेट, दोनों तरीके के गेट लगे रहते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस हो, उनका जो कितनी स्पीड से उसको परफॉर्म करना है, इसीलिए जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं वो डायरेक्ट अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्ट अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट देते हैं किस तरीके से किसका कितनी फास्ट प्रोसेस को करना चाहिए। तो इस तरीके से अपन किसी भी उसका डिले निकाल सकते हैं कि 4 बिट का, 5 बिट का, 10 बिट का, 50 बिट का, और इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो फास्ट की जाती है प्रोसेस को फास्ट की जाती है उसी तरीके से की जाती है। आप अगले वीडियो के अंदर जानेंगे अपन फास्ट एडर, यानी कि जो फास्ट एडर होते हैं उनको किस तरीके से इसी प्रोसेस को फास्ट किस तरीके से किया जाता है, और इसी प्रोसेस को फास्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसके अंदर जो सबसे फेमस मेथड है वो लुक अहेड कैरी एडिशन, लुक अहेड कैरी एडिशन। तो इसके अगली वीडियो में अपन कैरी एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, कैरी एडिशन किस तरीके से परफॉर्म होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आई होगी डिले किस तरीके से हैपन होता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।